ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसको सॉल्व करेंगे अभी. इम्प्लाइज, तो मेंटली हम लोग जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 बाई 5 इक्वल टू 16 इंटू 3 बाई 4 माइनस 2 एक्स, इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. इम्प्लाइज तो 15 इंटू, तो ये देखिए 15 इंटू एक्स माइनस 3 अगर है तो 3 और 15 कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3 3 5 15, 5 इंटू एक्स हमारा 5x होगा, माइनस 15 इंटू ये 2/5 है, 5 और 15 कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 5 5 3 15, तो 3 into 2 इक्वल टू 6, तो 5x माइनस 6 इक्वल टू 16 इंटू 3/4, 4 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 4 4 4 16 इक्वल टू 4 into 3 12 माइनस 16 into 2x, यानी 16 into 2 32 into x, तो 32x होगा. इम्प्लाइज 5x माइनस 32x इस साइड में है, ऑपोजिट साइड में जब आएगा तो प्लस 32x हो जाएगा इक्वल टू 12 माइनस 6 इस साइड में है, ऑपोजिट साइड में जब जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा. इम्प्लाइज 5x प्लस 32x इक्वल टू 37x इक्वल टू 12 प्लस 6 18, इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 18. 37 यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके है, जब ऑपोजिट साइड में जाएगा तो जो भी गिवन नंबर है उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू ये है. अभी चेकिंग करेंगे तो LHS इक्वल टू एक्स बाय 3 माइनस 2/5 इक्वल टू एक्स हमारा 18/37 है और नीचे हमारा 3 है, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस LHS. चेकिंग करेंगे LHS हमारा x बाई 3 माइनस 2/5 बाय 3/4 माइनस 2x है इक्वल टू x हमारा 18/37 है, तो 18/37 यहाँ नीचे 3 है तो 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18/37 इंटू 3 माइनस 2/5 बाय 3/4 माइनस 2 इंटू 18/37 इक्वल टू 18/37 इंटू 3, तो ये देखिए 37 इंटू 3, 3 7 21, 1 2 3 9 प्लस 2 11, 111, तो 18/111 माइनस 2/5 बाय 3/4 माइनस 2 into 18, 36/37. तो 37 इंटू 3 यहाँ पे देखिए, 37 इंटू 3 हमारा 111 होता है. तो अभी ऊपर को सॉल्व करेंगे तो उससे पहले बड़ा सा एक लाइन हम लोग ले लेंगे और टॉप पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे. तो 111 और 5 का एलसीएम 111 इंटू 5 5 5 5 है, क्योंकि ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो ये दो नंबर को डिवाइड करता है, तो एलसीएम हमारा ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर होता है वही हमारा एलसीएम होता है. तो 555 डिवाइडेड बाई 111 5 है, 18 इंटू 5 90 है, माइनस 555 या 555 डिवाइडेड बाई 5 111 है, और 2 into 111 हमारा 2 to 2 है. यहाँ पर अभी नीचे भी 4 और 37 का एलसीएम लेंगे तो ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 4 और 37 को डिवाइड करता है, तो जो भी एलसीएम होगा वो 37 into 4, तो 37 into 4 कर लेंगे, 4 7 28 रखे 2 4 3 12 प्लस 2 14, 148 होगा.
तो 148 डिवाइडेड बाय 437, 3 इंटू 37, तो ये देखिए 37 इंटू 3, तो 3 7 इंटू 21, 1 रखे 2, 3 9 प्लस 2 11, 111 माइनस 148 डिवाइडेड बाय 37, 4, 36 इंटू 4, तो 36 इंटू 4, 4 6 24, 4 रखे 2, 4 6 24, 4 रखे 2, 4 3 12 प्लस 2 14, 144। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी पहले एक बड़ा सा लाइन ले लेंगे और नीचे हमारा 555 रहेगा और 90 माइनस 222, तो 90 मतलब ये प्लस 90 है, दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, इसलिए 222 माइनस 90 करेंगे, 2 माइनस 0 2, 2 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, 12 माइनस 9 3, यहाँ 1 होगा। और बड़े नंबर के सामने देखिए नेगेटिव साइन है, इसलिए आंसर में भी हमारा नेगेटिव साइन रहेगा, तो ये माइनस 132। नीचे का लेंगे 148 डिनोमिनेटर में रहेगा, और अभी ये देखिए ये प्लस 111 है और ये माइनस माइनस 144 है, तो दोनों के साइन ऑपोजिट है, इसलिए 144 माइनस 111 होगा, 144 माइनस 111, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 0, तो 33 होगा। बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस 33 होगा इक्वल टू। अभी ये दो नंबर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 132 बाय 555 इंटू 148 बाय माइनस 33। ये कैसे होगा अभी मैं दिखाती हूँ, तो इसको देखिए ये हमारा हो गया माइनस 132 बाय 555 डिवाइडेड बाय माइनस 33 बाय 148 इक्वल टू माइनस 132 बाय 555 इंटू 148 बाय माइनस 33, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए 33 इंटू 4, 4 थ्री जै 12, 2 रखे 1, 4 थ्री 12 प्लस 1 13, तो ये 132 होता है, तो 33 वन जै 33, 33 4 जै 132। अभी मैं यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिखाई थी, जैसे 37 इंटू 3 इंटू 5 हमारा 555 होता है, तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, उससे पहले ये भी देखिए 37 इंटू 4, यहाँ पे 148 हमारा होता है और 37 इंटू 3 हमारा 111 होता है, तो इसको कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 4 इंटू 148 जो है वो 37 इंटू 4 होता है, तो यहाँ ऊपर 4 रहा, 148 को मैं ब्रेक करके 37 इंटू 4 कर दी, और 555 जो है तो 37 इंटू 3 मेरा 111 है, तो इसको मैं 37 इंटू 3, ये मेरा 111 हुआ, इंटू 5 करने से मेरा ये 555 होता है, और यहाँ पर मेरा 1 है, तो यहाँ से ही मैं कैंसिलेशन कर सकती हूँ, 37 37 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 बाई 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, जो कि हमारा आर एच एस है। तो जैसे आपको ऐसे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो आप मेंटली सोचिए कि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो कुछ कोरिलेशन था क्या, जैसे 555 है तो 37 इंटू 3 इंटू 5, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, तो जब रफ में आप लोग सॉल्व करें तो 555 की जगह पर आप 37 इंटू 3 इंटू 5 कर लीजिए, और जो 148 है वो 37 इंटू 4 होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे, तो उसको भी आप थोड़ा कोरिलेट कर दीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में इजी होगा।
अभी इसकी कैंसिलेशन हम लोग करते हैं, 33 1 जा 33 33 4 जा 132, इसको 37 के साथ कैंसिल करेंगे तो 37 4 जा 148, और इसको अगर 37 के साथ कैंसिल किए तो 37 × 15 हमारा 555 होता है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 15 लिख सकते हैं इक्वल टू 4 × 4 16 by 15 इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा कोरिलेट करके हमें सॉल्व करना है, तो इसका ये देखिए फुल एक्सप्लेनेशन है ऐसे।